देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि बंदूक किसी भी समस्या का हल नहीं है, यह कहते हुए कि कश्मीरी शांतिपूर्ण किसानों के विरोध से दुनिया भर में समर्थन हासिल करने के लिए सीखें। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के डाक बंगलों में पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि बंदूक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, मैं अपने बच्चों से बंदूक नहीं लेने की अपील करती हूं। यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, यह हमारे संघर्ष को एक बुरा नाम दे रहा है क्योंकि कश्मीरियों को आतंकवादी करार दिया जा रहा है। यही कारण है कि दुनिया हमारे कारण की वकालत नहीं कर रही है और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। हमें किसानों से सीखना चाहिए कि वो कैसे हाथों में पत्थर और बंदूक पकड़े बिना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्व उनका समर्थन कर रहा है। श्रमिकों की विशाल सभा ने सम्मेलन में भाग लिया। हमारी शिनाख्त छिनी, इसलिए दिल और वचन मैंने मेरी बंदूक निकले बंदूक से दे दी के बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। मुझे बार बार बोला दिल बोल राय जमींदार बोल से कैसा बंदूक अटैचमेंट कैसा कई अटैचमेंट वो तो शुरू सारी दुनिया की वकालत करे मगर सारी वकालत क्या ऐसे करना कैसे ऐसे नहीं बंदा नफे ये मासा चाहते करान दहशतगर्दी है और इस मसले को हल करना जरूरी है ताकि इस खिते में अमन के लिए जो भी रास्ता अमन का गुजरता है वो जम्मू कश्मीर के बीच में से गुजरता है इस खिते के अमन का। और यहाँ बातचीत होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी सीज फायर के हवाले से बातचीत शुरू हो गई है, उसकी हम उसको वेलकम करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों को जो इस वक्त किसान जो पूरे मुल्क के अंदर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक आंदोलन चला रहे हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस तरह पूरा तरीके से अपनी बात कही जाए और उसके बाद पूरी दुनिया आपकी वकालत करे। मैम, क्या आपको लगता है कि देखिए मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के हालात, यहाँ के लोगों के एहसास, चाहे वो हिंदुस्तान के वजीर आजम हो चाहे पाकिस्तान के वजीर आजम हो, इनके लिए जम्मू कश्मीर के मसले पे बातचीत करने के अलावा और कोई चारा नहीं। मैम, आपकी कोई कंडीशन है या हम चाहते हैं वो बातचीत करें जिस तरह वाजपेयी जी ने एक बातचीत की शुरुआत की थी मुशर्रफ साहब के साथ। इस वक्त इमरान खान साहब से बात होनी चाहिए और एक अच्छा खुशगवार माहौल पैदा हो जाए ताकि जम्मू कश्मीर का जो जीरीना मसला 70 साल से लग रहा है उसको हल किया जाए।